गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर सेकेंड वे ऑफ सेपरेशन, दैट इज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है? हाँ, क्या होता है सब्लिमेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करें और वो डायरेक्टली क्या बन जाए? गैस। या इट इज ऑल्सो द प्रोसेस इन विच अ गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इंटू अ सॉलिड, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, कपूर, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आयोडीन, दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच आर नोन एज सब्लिमेट। इनको सब्लिमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको हीट करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जब हम इनको कूल करते हैं तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ये लिक्विड फेज में नहीं कन्वर्ट होते। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम सब्लिमेशन मेथड की हेल्प से कैसे कैसे दो सॉलिड्स को अलग अलग कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इन द प्रीवियस चैप्टर। पहले चैप्टर में हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सब्लिमेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वी नो दैट द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आप इसको वापस से लिख लेंगे, यहाँ से, यहाँ पर टी स्मॉल है, आप टी कैपिटल कर लेंगे। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट वेपर यानी गैस में बदलना, या किसी भी वेपर या गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदलना, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम। अब वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि हम कपूर ले लें, कपूर को हीट करें, तो कपूर क्या होगा? गैस में। यानी कि इसमें कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट था? तो सॉलिड ऑब्जेक्ट था हमारा कपूर यानी कैम्फर, तो उसको हम बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं? सबलाइम। देखिए आगे दिया है, द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडर गो सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम। सब्लिमेशन प्रोसेस में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबलाइम। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दोज सब्सटेंस सेस फ्रॉम अ मिक्सचर विच सबलाइम ऑन हीटिंग। और ये प्रोसेस सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है, सब्लिमेशन बाई द सेपरेशन या सेपरेशन बाई सब्लिमेशन, ये वहाँ पर हम यूज करते हैं जहाँ पर मिक्सचर में मेरे पास कोई ना कोई सबलाइम हो। सबलाइम का मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट हो जो कि हीट होने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता हो। द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन बाई कूलिंग द वेपर इज नोन एज सब्लिमेट। अब वहीं पे जब आपने सॉलिड को हीट किया तो गैस बना, तो इसको जो सॉलिड था उसको हमने क्या कहा? सबलाइम। जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो सॉलिड में बनता है, तो जो गैस के ठंडा होने के बाद सॉलिड बना है उसको हम सब्लिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक कपूर का पीस है, मैंने इसको जलाया या हीट किया, तो बताइए क्या होगा? ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो देखिए यहाँ ये हीट होके गैस बन रहा है, इसलिए इस सॉलिड को हम बोलते हैं सबलाइम। क्या कहते हैं हम इसको? सबलाइम। अब मान लीजिए मेरे पास अमोनियम क्लोराइड का वेपर है या गैस है, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। इस गैस को अगर मैं ठंडा करूँ तो ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। या आयोडीन गैस को आप ठंडा करें तो वो भी क्या बनता है? आयोडीन सॉलिड। तो यहाँ देखिए, ये गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद जो सॉलिड मिलता है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। क्या कहते हैं हम इसको? सब्लिमेट। बहुत ही ध्यान से समझिए, आसान है। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सबलाइम। जब गैस से या वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो तो नया सॉलिड मिलता है, उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेट कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए द सब्सटांसेस लाइक अमोनियम क्लोराइड, ऐसे सब्सटांस जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन सबलाइम ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट बाई कूलिंग देयर वेपर्स।
ये जो है ना, ये सब सबलाइम है, यानी कि ये सब ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हीट करने पे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब देखिए, जो ये गैस में कन्वर्ट होंगे, अगर मैं उस गैस को स्टोर कर लूँ, हम मानते हैं थोड़ा हार्ड है, बट अगर किसी तरह मैं इनको स्टोर करके अलग रख लूँ और मैं इनको ठंडा करूँ, तो क्या ये वापस से सॉलिड बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। इसलिए इनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अच्छा, जो वहाँ वेपर से गैस, वेपर वाला जो गैस था, वहाँ से मैंने जब इनको ठंडा किया तो सॉलिड मिला, उसको मैं क्या कहूँगा, सबलाइम या सब्लिमेट? गुड, उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट। यानी कि जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो तो उस केस में सॉलिड को हम सब्लाइम कहते हैं, जबकि जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो तो उस सॉलिड को हम सब्लिमेट कहते हैं। आपको याद रखना है सब्लाइम कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ओके, दिस मीन्स दैट अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग एंड फ्रॉम वेपर्स टू सॉलिड ऑन कूलिंग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे वो एंथ्रासीन हो, नेप्थलीन हो, आयोडीन हो, कैम्फर हो या फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड हो, इनको हीट करिए तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, या इनके वेपर्स को कूल करिए तो ये डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो आप इतना लिखने के बाद इसमें एग्जांपल्स भी आप थोड़ा सा लिख लें ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अमोनियम क्लोराइड से, ए को आप कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रेसीन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड फ्रॉम वेपर्स टू सॉलिड ऑन कूलिंग। यहाँ तक अगर आपको देखना है, अगर इनके बारे में नहीं जानते आप, तो आपके सामने डायग्राम्स दी गई हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है, जैसे हम घर पे यूज करते हैं ना सॉल्ट, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट होता है, जो कि जब भी आप स्कूल में आएंगे तो हम आपको लैब में दिखा देंगे। ये है हमारा आयोडीन, जो कि सॉल्ट के अंदर मिलता है। ये है हमारा कैम्फर, कपूर, जो कि हम पूजा वगैरह करते वक्त जलाने के काम करते हैं, यूज करते हैं। ये हमारा नेप्थलीन, ये हमें कहाँ मिल जाता है, बैग वगैरह में। और ये होता है हमारा एंथ्रासीन। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। अब ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जिनका सब्लिमेशन नहीं होता, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड, घर पे जो नॉर्मल सॉल्ट हो ना आप उसको ले ले, आप उसको चाहे जितना हीट कर ले, मजाल वो सॉलिड से गैस बन जाए, नहीं, वो सॉलिड से बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो पहले लिक्विड बनेगा, उसके बाद ही गैस बन सकता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस नहीं हो सकता। शुगर, शुगर को हीट करके देखें, शुगर को भी हीट करेंगे तो कभी भी वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता, यानी ये सब सब्लिमेशन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस सच एज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सैंड, आयरन फिलिंग्स, चाहे आप सैंड ले लें, बालू, या आयरन फिलिंग्स, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, सल्फर ले लें या चौक ले लें, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर विद सब्लाइम्स ऑन हीटिंग एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बीइंग नॉन वोलेटाइल। अब देखिए, हम सेपरेशन बाय सब्लिमेशन मेथड उस मिक्सचर में यूज करते हैं जहाँ पे एक सब्सटेंस तो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब हीट करने पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, जबकि एक नॉन वोलेटाइल हो जो कि हीट ना हो। जैसे कि अगर मैं ले लूँ, मैं कह दूँ कि मेरे पास है सैंड और शुगर का मिक्सचर, ठीक है, और मुझे इन दोनों का अलग अलग करना है, तो बताइए क्या मैं यहाँ पर सेपरेशन बाय सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकता हूँ? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना ही सैंड वोलेटाइल है और ना ही शुगर, यानी कि जब आप हीट करेंगे तो ना ही सैंड सब्लिमेशन को शो करेगा और ना ही शुगर। हम सेपरेशन बाय सब्लिमेशन मेथड वहीं यूज करते हैं जब मिक्सचर में मेरे दो कंपोनेंट हो, दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हो, जिसमें से कम ऐसा होना चाहिए, हाँ फिर से सुनिएगा, एक ऐसा होना चाहिए जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता हो। अब मैं एक एग्जांपल लूँ सैंड और कैम्फर की,
तो बताइए क्या मैं इनको सेपरेट करने के लिए, इनका सेपरेशन करने के लिए सेपरेशन बाय सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैंड तो सब्लाइम नहीं होगा, यानी कि सैंड को तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस से नहीं गुजार सकते, लेकिन कैम्फर हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या ये भी समझ लें आप, इस मिक्सचर को मैं हीट करना स्टार्ट करूँगा, तो बताइए हीट करने के बाद क्या सैंड गैस बनेगा? कोई चांस नहीं है। वेपर बनेगा? कोई चांस नहीं है। कैम्फर? हाँ, कैम्फर सबलाइम होके क्या बन जाएगा? गैस में। और मैं ऊपर किसी कंटेनर की हेल्प से इसको लॉक करके यहाँ से जितने भी गैस निकल रही होंगी सबको स्टोर कर लूँगा, फिर मैं इनको लॉक करके बाहर ले जाके इनको कूल करूँगा। जब मैं इनको ठंडा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से वेपर से ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो कैम्फर यहाँ पे था, पहले ये गैस बना, इस कंटेनर में इकट्ठा होगा और फिर इसको ठंडा करने पे हमें यहाँ पर वापस से सॉलिड फॉर्म में कैम्फर मिल जाएगा। तो देखिए जब आपने हीट किया तो यहाँ पे क्या था, सैंड कैम्फर दोनों थे। हीट करने के बाद कैम्फर तो गैस बन के उड़ गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ सैंड। इस कंटेनर में क्या थे, वेपर्स ऑफ कैम्फर। फिर आपने इस कैम्फर को ठंडा करके वापस से कैम्फर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपका कैम्फर अलग हो गया और सैंड भी अलग हो गया। हो गया सेपरेशन, आसान था। अब बताइए क्या मैं अमोनियम क्लोराइड और शुगर के मिक्सचर को सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, हीट करने पे ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करेगा, वेपर बनेगा, इस वेपर को हम इकट्ठा करेंगे, वेपर को ठंडा करेंगे और अलग कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा, और इस कंटेनर में कौन बचा रह जाएगा, शुगर। इस तरह से हमारा अमोनियम क्लोराइड और शुगर दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। अगर किसी मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेप्थलीन है या एंथ्रासीन है, तो उस मिक्सचर से आप इनको अलग कर सकते हैं। प्रोसेस वही होगा, आप उनको हीट करेंगे, ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, आप उन वेपर को स्टोर करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, आपको इस नए कंटेनर में ये चीज़ सेपरेट होकर मिल जाएंगी। अब ये उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, फिलहाल ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से पढ़ लेंगे, बट फिर भी हम कर देते हैं। देखिए आप हेडिंग बना लेंगे, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या हम यहाँ पे सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हैं? तो आपको जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सॉल्ट सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करेगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। फिर ये आपका होमवर्क है, आप इस पूरे प्रोसेस को पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड, सेपरेशन बाय मैग्नेट मेथड, इसको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।